तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। और जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग शिमला के लिए निकल गए। हम लोग सबसे पहले जरंगडी स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़े थे और उसके बाद हम लोगों ने गोमू आया, और अब गोमू से हम लोग का लगभग 2:30 बजे ट्रेन है कालका के लिए, और कालका से फिर शिमला हम लोग टॉय ट्रेन से जाएंगे। वीडियो में लगे रहिए और पार्ट बाय पार्ट करके मैं वीडियो डालने का प्रयास करूँगा, और एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जाने में हम लोगों को मिस ना हो सके, वो सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। हमारे साथ 4 लोग और हैं, मैं उनसे भी आप लोगों को मिलवाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं गोमू स्टेशन पर हूँ और हम लोगों की ट्रेन 2:30 बजे है। हम लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ आया तो थोड़ा सा कुछ खाना वाना खाया, और उसके बाद हम मतलब मेरा रिटर्निंग का टिकट नहीं हुआ था उधर से, कालका से गोमू का रिटर्निंग टिकट नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सबसे पहले वो टिकट कंफर्म किया। और जैसे कि अब टाइम मिला, मैं सोचा कि थोड़ा वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है बताना कि पहले मैंने सोचा कि सिर्फ शिमला जाऊँगा, वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा, वहाँ का ब्लॉग अपलोड करूँगा, फिर मैंने सोचा कि पार्ट बाई पार्ट एक एक चीज़ मतलब कि वीडियो में अपलोड करूँ, ताकि कभी अगर आपका शिमला जाने का प्लान बने तो आपको कोई भी चीज़ की परेशानी ना हो सके। आप इजी टू, अगर आप बोकारो जिला के अंदर में रहते हैं, और तो जैसे कि हम लोगों ने जरंडी के स्टेशन है जरंडी में खुसरो, आप कहीं से भी नॉर्मली गोमू आ सकते हैं, और गोमू आने के बाद आप इसलिए यहाँ से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेशल ऐसे करके कोई ट्रेन है, वहाँ से आप कालका जा सकते हैं, और आपको कालका से फिर शिमला जा सकते हैं। ये इजी टू प्रोसेस है, तो हम लोग आइए अपने टीम के मेंबर्स लोगों से मिलवाते हैं और उनका एक्साइटमेंट जानते हैं कि वो लोग कैसे कितने एक्साइटमेंट हैं जाने के लिए। चलिए फिर, सो हम लोग 5 लोग हैं, हम लोग जा रहे हैं। ये ऋषि जी हैं, श्याम नारायण है हम लोग के टीम के कैप्टन, और नरेंद्र जी हैं, और चिंटू जी हैं। तो हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, जानना चाहेंगे कि एक एक करके कि आप लोग का अभी कैसा मतलब फील कर रहे जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम है आपका अभी शिमला का, तो आप क्या यहाँ कैसा फील कर रहे हैं? हम जैसे कि हम सोच रहे थे कल क्या कि आज 2:30 बजे ट्रेन पकड़ेंगे और 9-10 बजे तक पहुंच जाएंगे बोल के मतलब फिर श्याम जी क्लियर किए कि नहीं, मतलब हम वो जो शाम को ट्रेन पकड़ते थे ना और सुबह पहुंच जाते थे, तो वही वाला में थे कंफ्यूजन में कि नहीं शाम को पकड़ेंगे और सुबह हमारे टाइम का पता हम लोग की कप्तान साहब बताइए कि हाँ अभी भी रिकॉर्डेड हो रहा है, लाइव नहीं तो है। हाँ लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड हो रहा है, तो बताइए तो क्या क्या मतलब कुछ सोचे होचे कि शिमला वगैरह जाएंगे तो मतलब क्या प्लान करेंगे, क्या मतलब कुछ बर्फ वगैरह कुपरू फ्री कि इससे आगे बढ़ना है? सबसे पहले तो शिमला मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, हाँ हम भी वेट कर रहे कि कुछ अच्छा हो, और साथ में स्पेशली डीके सर का जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरह से मतलब कमांड करते हैं, वो सारे बातें जानना मतलब अच्छा लगता है। हाँ। क्योंकि बिजनेस को बढ़ने में वो मतलब क्या बोलते हैं मतलब घी का काम करता है, जैसे हम लोग चिंगारी है उसके बाद घी का काम करता है, बस उसका सुनना। और प्लस सबसे खुशी की बात ये है कि अकेले जाना अलग बात है, लेकिन टीम के साथ जाना हाँ मतलब जैसे कि कुछ लोग हमको बोल भी रहे थे कि शिमला मत जी मज़ा नहीं आएगा, तो हम उससे क्या बोले अब उसको, लेकिन बात यह है कि प्लेस मैटर नहीं करता, आप जिन लोगों के साथ जा रहे हैं वो बताइए ना जी क्या बोली। क्या बताऊँ, मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ शिमला, अब शिमला में जाने के बाद कितना एंजॉय करेंगे, सो सेकंड वीडियो बनाएंगे उसमें पता चलेगा पार्ट बाय पार्ट करके ना। बताइए चिंटू जी, आपका भी तो फर्स्ट टाइम है ना, आप नारायणपुर कहाँ से हैं? नारायणपुर से ना, हमको लगता है मे बी उस आप लोग जिस में रहते हैं मोहल्ला वाला या उससे भी, तो हमको लगता है कि 4-5 किलोमीटर तक में फर्स्ट टाइम आप हो रहे होंगे जो जा रहे उस एरिया में, कोई भी नहीं निकला है। हाँ तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई नहीं निकला हुआ है, तो बोल के सो फाइनली गाइस हम लोग ट्रेन पकड़ लिए हैं, मतलब ट्रेन में चढ़ गए हैं, और
हम मतलब बहुत दौड़ना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि हम बोल रहे थे पहले से ही कि चलिए जल्दी चलिए क्योंकि ट्रेन आ जाएगी। हम लोग पहले बहुत आगे चले गए, उधर नहीं था हम लोग का बर्थ, एग्जैक्ट इधर था। सो फाइनली हम लोग चले गए। चलिए अब मॉर्निंग हो रही, रात भर सो ही नहीं, आज भी बहुत छोटा छोटा हो गया। सुबह मिलते हैं दिल्ली में। हम लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज, और इससे पहले हम लोग आए थे मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर आप लोग को याद होगा, कालीन भैया, अरे हम लोग के रखिए ना, हम लोग कहाँ गए, कालीन भैया कहाँ गए, पानी की तलाश में। मिर्ज़ापुर आया था बट हम लोग नहीं उतरे, सोए हुए थे, खाना वाना खा रहे थे। तो अब हम लोग डिसाइड किए कि प्रयागराज में उतरेंगे, देहू की भूमि। बट एक इंसे हम लोग सोच रहे कि कालीन भैया से मिलाएं, मगर वो पानी लेने के लिए गए हुए हैं। कालीन भैया पानी के लिए लाइन लगे, पानी के लिए लाइन लगे, मिलवाते हैं चलिए आप लोगों को कालीन भैया से। हम लोग कालीन भैया से मिलते हैं, मिर्ज़ापुर में चढ़े थे तब बताइए कालीन भैया कैसा लग रहा आपको। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा ना। मिर्ज़ापुर से चढ़े थे प्रयागराज में, अभी उतरे, हम लोग सोए हुए थे, टाइम नहीं मिल पाया। एक मिनट आप लोगों को एक्चुअली क्या है यूट्यूब पे हमारे, हम लोग सोचते हैं कि कैसे मतलब यूट्यूब पे ऐसे करके सब्सक्राइबर मतलब बढ़ते चला जाता है। अभी एक भाई मिले थे आदिल करके, वही प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, और मतलब उन्होंने सडन पूछा, मतलब आया पूछा, मतलब कि आप लोग दो मिनट ले सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब सोशल अवेयरनेस पे वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो आपका मतलब थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। अभी यूट्यूब पे स्टार्टिंग ही कर रहे हैं उन्होंने, मतलब मेरा भी चैनल सब्सक्राइब किया, मैंने भी उनका चैनल सब्सक्राइब किया। तो इस तरीके से ना मतलब पता चलता है, बाहर निकलने से पता चलता है कि अगर हम यूट्यूब पे कर रहे हैं तो कैसे आगे बढ़ेगा। अभी हम लोग का ट्रेन छूट ही जाता है, क्योंकि अगर यहाँ ब्लॉग बनाने के चक्कर में थे और इधर से ट्रेन खुल गया, पता चलता कि हम लोग यहीं प्रयागराज में ही रुक जाते। बट हम लोग चढ़ के ट्रेन को स्पीड से चढ़े, ट्रेन पकड़े। नरेंद्र जी बताएंगे स्कीपिंग कैसे करते हैं ना। अब ये नहीं बोले नहीं थे, हो गया था इधर, हाँ हो गया था, हाँ। रुक जा कीजिए हाँ चलो। मन परया मन परया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, वे मैथों तेरा मन परया, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, गल गल ते शक कर दे बार जरा भी नहीं, हुण तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली, लेकिन ओल्ड दिल्ली है, लेकिन ये ओल्ड दिल्ली है, न्यू दिल्ली नहीं है। अभी हम लोग
पुराने दिल्ली। अभी हम लोग लाल किला पार किए बट हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कंफ्यूजन में थे कि ये लाल किला है कि क्या है, और सोच रहे थे कि यहाँ भीड़ कम होगा, लेकिन भीड़ यहाँ पे पूरा गजागज हो गया है। बट कोई टेंशन नहीं क्योंकि बस है नहीं, टिकट सीट छिनाएगा नहीं, इसलिए उसके लिए कोई टेंशन नहीं क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है प्लान। तो लाल किला पार हुआ, हम सोच रहे थे कि उसका रिकॉर्डेड कर ले बट वो चीज़ मिस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लाल किला मिस हो गया तो चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा दिल्ली स्टेशन का व्यू। और दिल्ली पहुंच चुके हैं ना, पूरा फॉर्म में है। बर्फ में स्केटिंग करना है ना, बर्फ में स्केटिंग करना है ना, खूब मजा करना है। कानपुर में कर लिए, कानपुर में कर लिए हैं, कानपुर में तो हमने पहला प्रयास कर लिया है। स्लाइडिंग है ना। तो हम लोग फाइनली कालका स्टेशन पहुंच गए और मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि उतरते साथ मैंने कैमरा स्टार्ट नहीं किया, नींद में सोए तो बहुत हैरासमेंट लग रहा था। तो हम लोग सबसे पहले गए वेटिंग रूम। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे दो नंबर प्लेटफॉर्म है, आपको अगर दिख रहा होगा तो वहाँ पे दो नंबर प्लेटफॉर्म है, और हम लोग गोमो से जिस ट्रेन से आए थे वो हावड़ा कालका करके है, दिखाने का प्रयास करते हैं आपको थोड़ा सा। हावड़ा कालका हम लोग का बर्थ नंबर S8 था। हम लोग उतरे, उसके बाद जब आप उतरिएगा इस दो नंबर प्लेटफॉर्म पे तो फिर आप इधर सीधे से चले जाइएगा। यहाँ पे आपका आप जब भी अगर शिमला जाने के लिए मूड से आ रहे हैं तो आप गोमो से बहुत इजीली टू आ सकते हैं। उसके बाद इधर से जाने के बाद कालका शिमला रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है, आप यहाँ से जाइएगा। उसके बाद आपके राइट साइड में टॉय ट्रेन लगा हुआ रहता है, टॉय ट्रेन का बुकिंग आपको पहले से करना है, और उस साइड में आपका वेटिंग रूम भी है, आप वहाँ पे जाकर फ्रेश हो सकते हैं। और फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने भी वही किया, हम लोग सबसे पहले फ्रेश हो गए। फ्रेश वगैरह होने के बाद हम लोग फिर सोचे कि ब्लॉग स्टार्ट करते क्योंकि बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट लग रहा था। हम लोग के यहाँ पे सभी लोग हैं, ऋषि जी, नरेंद्र जी, संदीप जी। संदीप जी स्पेशली लखनऊ से हैं, और संदीप जी बोले हैं कि मतलब घुमाएंगे बोल के ना रामराज, जो अयोध्या जी। बस आपका दुआ रहा तो नेक्स्ट ब्लॉग अयोध्या का ही बनेगा, और पूरा फोटो लेने में व्यस्त है दोनों को ही। अभी अंधेरा नहीं छाया, लेकिन नहीं उजाला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी काला चश्मा तीनों पे चढ़ा लिए। इधर पे वो आपको दिख पा रहा होगा जैसे कि कालका शिमला लिखा हुआ है, उस साइड पे टॉय ट्रेन किस कैसे रास्तों से जाएगी वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि यहाँ पे मतलब ड्राइंग के जरिए बताया जा रहा है कि किस तरीके से मतलब जो टॉय ट्रेन है वो बीच पहाड़ों से, और भी दो तीन तस्वीरें हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही मनमोहक टाइप की ये जो दिखाया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे उतर गए थे लमसम 3 बजे के ही करीब में, और हम लोगों की जो ट्रेन है वो 5 हमको लगता है 4:45 में, 5:45 में है। यहाँ पर भी कुछ
चीज़ें हैं यहाँ पे। कालका स्टेशन है, ये एक नंबर प्लेटफॉर्म है, मतलब एक नंबर प्लेटफॉर्म के जस्ट बगल में यहाँ पे जो पहला दर्जा प्रतीक्षालय है, यहाँ पे आप जब भी आएँ तो यहाँ पे आकर आप फ्रेश हो सकते हैं। फ्रेश होने के बाद फिर इस एक नंबर प्लेटफॉर्म के साइड से जस्ट बगल में टॉय ट्रेन है, आपको वो दिख रहा होगा, वो टॉय ट्रेन है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि ये स्टेशन बहुत मतलब काफ़ी साफ़ सुथरा है, जो कि बोला जाता है हिल स्टेशन टाइप का, तो बहुत काफ़ी साफ सुथरा लगा मुझे इसमें बाकी स्टेशनों के मुकाबले। यहाँ पे टॉय ट्रेन लगी हुई रहती है, ये एक हम लोग दो नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरे, उसके बाद ये एक नंबर और ये छः नंबर, जैसे कि देख पा रहे हो छः नंबर प्लेटफॉर्म पे टॉय ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई रहती है। आपको पहले से ही बुकिंग करना पड़ता है, 400-500 के लमसम में मतलब आपका ट्रैवलिंग चार्ज आता है। ये आपका टॉय ट्रेन है, इसमें हम लोग अभी जाएंगे।